यो 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 गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने नए विजिट से। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूं कहां जा रहा था भूल गया। आज मैं जा रहा हूं गांधीनगर मार्केट। एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सुबह का टाइम है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूं। चाय देखिए रखी हुई है मेरी, चाय पीऊँगा उसके बाद फटाफट देखिए रेडी हो चुका हूँ ऑलरेडी। कपड़ा देखिए टनाटन है एकदम से, ये वाइट शू डेनिम रेड जैकेट। ठंडा का टाइम है तो कवर करके रहना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी अपने आप को कवर रख के चलिएगा। अभी मैं चाय पी के निकल रहा हूँ, बाकी की वीडियो आपको आगे दिखाऊंगा। पेशेंस रखिए और देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। गाइस फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी निकल रहा हूँ मेट्रो के लिए, क्योंकि मैं मेट्रो ही प्रेफर करूँगा। इस टाइम कैब या ऑटो से जाना सही नहीं है, क्योंकि बहुत जैम होता है रोड पर, तो मैं मेट्रो प्रेफर करूँगा। तो मैं अभी मैं बढ़ रहा हूँ मेट्रो के लिए, बाकी आगे आपको दिखाता रहूँगा। मैं उतरा हूँ कश्मीरी गेट, और यहाँ से मुझे अभी दूसरी मेट्रो चेंज करना है, येलो रेड लाइन लेना है टूवर्ड्स शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क उतर के फिर मैं वहाँ से लूँगा रिक्शा, और जब मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं आपको वहाँ के मार्केट दिखाऊँगा। गाइस सीन कुछ ऐसी है कि मैं अभी हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, और मैं आपको एक बार सीन दिखा देता हूँ बाहर की मेट्रो से। एक चीज़ बता दूँ, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो है ये शायद दिल्ली का पहला दूसरा जो भी था, ये सबसे पहले मतलब ये सब मेट्रो स्टेशन बने थे दिल्ली में। और ये दिल्ली में दो मेट्रो स्टेशन ऐसे जो बहुत बड़े हैं, एक तो आपका कश्मीरी गेट हो गया, दूसरा आपका हो गया राजीव चौक। यहाँ चलना बहुत पड़ता है, मतलब चल चल के आपकी सांस फूल जाएगी, जैसे मेरी फूली थोड़ी देर पहले भी। बहरहाल आप लोग ये व्यू देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेट्रो की क्राउड है, आप देखिए कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन बनाया है इन्होंने। ऑल राइट गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ गांधीनगर मार्केट में, और जिस शॉप को मुझे ढूंढना है वो शॉप मुझे दिख नहीं रही है, तो आई एम लिटिल बिट परेशान, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है और ढूंढना कोई इजी टास्क नहीं है। बहरहाल बढ़ते हैं, ढूंढते हैं, शायद मिल जाएगा। ये गांधीनगर के बारे में आपको बता दूं, गांधीनगर दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट गांधीनगर, और दूसरी है सदर बाज़ार। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर यहीं से शॉपिंग करते हैं, कपड़ों वपड़ों की, मोबाइल के लिए ज़्यादातर ये लोग जाते हैं करोल बाग, बट कपड़ों से रिलेटेड कुछ होता है तो उनको गांधीनगर या सदर बाज़ार जाना पड़ता है। सीन देख लीजिए। और अभी मैंने एक लोगों से कन्फर्म किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आगे ही है मनीकुंड शॉप है, तो आई होप कि मुझे वो शॉप जल्दी मिल जाएगी। मैं यहाँ से काम फिनिश करके यहाँ से फटाफट निकल लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ लग रही है भूख, और ये मार्केट बहुत ज़्यादा अजीब सी है, मुझे उलझन सी हो रही है, इसलिए मैं फटाफट काम फिनिश करके निकलने की सोचता हूँ। तो मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मार्केट का, ये सीधी मार्केट है बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आप गलियों में घुसते जाइए तो आपको गलियों में ऐसे घुसेगा ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ज़िगज़ैग वाले इसमें आ गए हैं, भूल भुलैया है। देखिए शादी ब्याह से लेके हर तरह के सामान, क्या चाहिए आपको। इस तरह से वीडियो बनाना ऐसी मार्केट में आके थोड़ा सा ऑकवर्ड से फील होता है, क्योंकि लोग ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखते हैं जैसे मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, बट मैं ये उनके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को पता चलता है कि हाँ ये मार्केट कैसी है, आपको कैसे आना है। सी आई होप कि वो शॉप जल्दी आ जाए ताकि मैं यहाँ से काम करूँ निकलूँ। भूख लगी है अगर आप लोगों को, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की। चलो चलो, और देखिए कदम कदम पे आपको खाने का सामान दिख रहा है। ये
किड्स गारमेंट शॉप है, बच्चों के सारे सामान यहाँ पे होलसेल मिलते हैं। देखिए कितनी ढेर सारी रग्ड डेनिम्स टंगी हुई हैं, ये सारी होलसेल शॉप है। वैसे मुझे यहीं पे जाना है, इनकी एक शॉप और है, मुझे यहाँ से अंदर पे जाना है। चलिए आइए मिलते हैं इनसे पहले। जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, वो टास्क आप पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, खुशी होती है। तो मैंने भी ये टास्क पूरा कर लिया है, मुझे शॉप मिल गई। अब मैं इनकी दूसरी शॉप जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। ये भाई साहब हैं, चल रही है। सो थोड़ा डार्क है, गली में आ चुका हूँ अभी, चलिए चलते हैं। फिलहाल इनको मुझे फॉलो करना है, तो लेट्स सी। देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पे गलियों में भी काफ़ी शॉप से आखिर आ गई। शायद यही चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है, जो मेरा एक फ्रेंड है जौनपुर से, उसकी शॉप कपड़े के, तो उसको ये सब चाहिए थे मैनीक्विंस। यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे सब लाश खड़ी हैं। फाइनली मुझे, अभी मैं मार्केट में था, किसी स्टोर में था, तो मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिल गई है, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है मेरी लाइफ पार्टनर, जिनके साथ मेरी बाकी की लाइफ गुजरेगी। लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा शर्मा सी रही हैं अभी, ऐसे देखिए मुँह घुमा ली इन्होंने। तो ये आप लोगों को हाय कह रही हैं, हेलो हाउ आर यू, आप लोग भी ठीक हैं, आप जवाब दे दीजिए इनको। कैसी लगी पास से देख लीजिए एक बार। ऐसी और भी हैं मैट्रिमोनियल के लिए यहाँ पे है, अगर जिसको चाहिए शादी करने के लिए तो आ जाइए। शादी के लिए बहुत सारी बहुएँ खड़ी हैं यहाँ पे, बस कपड़े गायब हो रहे हैं, बस कुछ और नहीं। सो गाइस, फाइनली 2 घंटे के बाद मैं उस गली से बाहर निकला हूँ। सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बिकॉज सांस ज़्यादा ले नहीं पा रहा हूँ। तो काम हो गया है, अभी जिस काम के लिए मैं आया था डन हो चुका है, बाकी का अब यहाँ का प्रोसेस है, दुकानदार खुद कर लेगा अपना। मेरा काम इतना ही था कि यहाँ पे आके बात करवा देना उन लोगों की, मैंने बात करवा दिया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेट्रो मेट्रो मेट्रो, देख लीजिए मैं अभी बैठा हूँ रिक्शे पे, ये हमारे भैया जी हैं जो चला रहे हैं। यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क से मैं मेट्रो लेकर निकलूँगा कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से फिर मैं पकड़ूँगा सीधे अपनी मूलचंद वाली मेट्रो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, बाकी अब बात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर नेक्स्ट व्लॉग में मैं देखे कहाँ जाता हूँ फिर कुछ नहीं पता है, एज यूजुअल जहाँ जाऊँगा फिर से कोशिश करूँगा अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँ। राइट गाइस, एक्चुअली मैंने तो अपना चैनल पूरा ये फिनिश कर दिया था, बट अभी मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ, रीशूट नहीं कर रहा हूँ, एक शूट और मेरा रह गया था, क्योंकि भैया मुझे मेट्रो मिल गए थे, ही फ्रॉम बंगाल फ्रॉम कलकत्ता, इनका नाम है सौरभ लहरी। और इनके बारे में बता दूँ, ये भाई साहब जो है ये अन्ना हजारे के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ अनशन पर भी बैठ चुके हैं, जिस टाइम अनशन चलता था उन लोगों का। और इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ की वो ये कि ये कलकत्ता से डेली 22 साइकिल आए थे 14 डेज़ में, इन्होंने ट्रैवल 14 डेज़ की इन्होंने पूरी ट्रैवल कंप्लीट की है साइकिल से कलकत्ता से दिल्ली। इनका नाम है सौरभ लहरी, आप चाहो तो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो, इनकी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये भाई साहब हैं, से हेलो। हाय हेलो। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, ना कि फालतू चीज़ों के लिए। तो ये बताना था कि ये भाई साहब मेरे साथ कश्मीरी गेट से यहाँ तक आए, इनको यहाँ पर कुछ काम है मूलचंद पे, तो उनको मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ तक, फिलहाल ड्रॉप करके मैं अपना निकल जाऊँगा। भाई साहब अपना निकल, अपने वीडियो में आज यही फिनिश करता हूँ, अब आपसे मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय, टेक केयर।